हेलो दोस्तों, इंडियन रेलवेज अभी अपने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और डीकार्बोनाइजेशन के एजेंडे पे काम कर रहा है। इसी मुद्दे पे काम करते हुए डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी ने मेक इन इंडिया के तहत डीजल लोकोमोटिव को 10,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट करके फिर से इतिहास रच दिया। इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी बातों को जानेंगे और उस लोकोमोटिव के बारे में भी जानेंगे। यह प्रोजेक्ट को 69 डेज में कंप्लीट किया गया। 19 फरवरी 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। दोस्तों आइए अब इसके बारे में कुछ यूनिक बातों को जानें। कन्वर्ट करने से पहले ये दोनों इंजन 2600 हॉर्स पावर के थे। आरडीएसओ, सीएलडब्ल्यू और भेल के इंजीनियरों ने मिलकर इसे 10,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक फ्रेट लोकोमोटिव में कन्वर्ट कर दिया। इंजन के इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद इंजन की कैपेसिटी 92% बढ़ गई है और अब यह 86 टन का ट्रैक्टिव इफेक्ट दे सकता है। भारी से भारी लोड को अब यह आराम से खींच सकता है। डीजल लोकोमोटिव के सर्विसिंग में या रेलवे के टर्म्स में कहे तो मिडलाइफ रिहैबिलिटेशन में इंडियन रेलवेज को एक डीजल लोकोमोटिव के पीछे 5 से 6 करोड़ का खर्चा करना पड़ता था। यह सर्विसिंग जनरली एक लोकोमोटिव के बनने के 18 साल के बाद की जाती है। रेलवे की माने तो यह डीजल से इलेक्ट्रिक कन्वर्जन करते समय 50% ऑफ अमाउंट का ही खर्चा आया है या 3.79 करोड़ का ही खर्चा आया है। इंडियन रेलवेज ने इसे 80 किलोमीटर पर आवर तक चलने के लिए सर्टिफाइड किया है, जिससे हमारी फ्रेट अब बहुत आराम से बहुत जल्दी जा सकेंगी। यह प्रोजेक्ट 2017 में सैंक्शन किया गया था और रेलवे मिनिस्टर ने तब 108 लोकोमोटिव को कन्वर्ट करने का डिसीजन लिया था। दोस्तों कन्वर्ट करने से पहले ये दोनों लोकोमोटिव WDG3A डीजल लोकोमोटिव के नाम से थे और कन्वर्ट होने के बाद ये ट्विन इलेक्ट्रिक WAGC3 लोको तो जो 10,000 हॉर्स पावर के हैं उसके नाम से हैं। दोस्तों इस लोकोमोटिव के इनॉग्रेशन के बाद एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने आई कि अब रेलवे सारी के सारे डीजल लोकोमोटिव को उसके मिड लाइफ रिहैबिलिटेशन के टाइम पे उसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट करने का प्लान कर रहा है। अच्छा दोस्तों, आप ज़रूर बताएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको फैक्ट्स कैसे लगे। अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर आपको दे दूंगा। आप मेरी प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं जहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए जो इंडियन हिस्ट्री पे हैं। अच्छा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।